वेलकम फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और बस रोज़े अब ख़त्म पर हैं और माहौल जो है ईद की तैयारियों वाला अब शुरू हो गया है, शॉपिंग वाला मूड है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी शॉपिंग वाला तो लिंक दे दूंगी, ज़रूर देखिएगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने शॉपिंग की थी, वो आपने देखी, तो ज़ाहिर है शॉपिंग के बाद इफ्तार भी बाहर होगा। तो ये है पंजाब स्वीट हाउस, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ की क्रिस्पी गर्मा गर्म जलेबियाँ या ठंडी ठंडी लस्सी, मालपुआ, सब कुछ बहुत फेमस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का टाइम हो चुका था और हमने ऑर्डर की अपने पसंद की चीज़ें और इन्जॉय की। तो साथ में सारी बातें वीडियो में शेयर करूँगी। और एक बात छोटी सी लेकिन मेरे दिल को छू गई, वो क्या है आगे वो भी बताऊँगी। तो जी, खजूर और पानी की बोतल जो मैंने घर पर रेडी की थी ताकि मैं ले के साथ जाऊं, लेकिन वो घर में ही जल्दी जल्दी में छूट गई थी, यानी मैं भूल गई लेने, क्योंकि पानी की बोतल हमेशा मैं साथ रखती हूँ। तो खैर, पानी की बोतल हमने यहाँ से ख़रीद ली। और ये है देखिए नमकीन, जो कि उनका अपना प्रोडक्ट होता है, तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो कुछ पार्सल लास्ट में हमने पैक कराया, तो ये है मेथी फ्लेवर का नमकीन। घर आकर ट्राई किया, बहुत ही क्रिस्पी था, अच्छा था। मालपुआ, रसगुल्ला वगैरह इस तरह पैक कराया हमने, ताकि इफ्तार और सेहरी में थोड़ा नयापन हो जाए, और हम सबको पसंद भी है, बेटे को और मुझे खास करके। और हाँ, यहाँ से निकलते ही जैसे आप थोड़े से मतलब वहीं आगे बढ़ेंगे तो वहाँ गर्मा गर्म क्रिस्पी इमरती जलेबी बनती हुई मिलती है, तो मुझे उस तरह की वीडियो बनाना बहुत पसंद है। तो दरअसल जो एक ख़ास बात आज आपसे शेयर करूँगी तो वो इन जलेबियों से ही रिलेटेड है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मेरे दिल को छूने वाली बात है। तो सबसे पहले बनते हुए देखें जलेबियाँ, उसके बाद वो क्या बात है बताती हूँ आपको। जी, बात कुछ यूँ है, छोटी बात है लेकिन मेरे दिल को छू गई, तो मुझे लगा आज आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। दरअसल जो उनके स्टाफ जलेबियाँ बना रहे थे, वो बनाकर थोड़ी सी वहाँ रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने बनी हुई जलेबियों की वीडियो बनानी शुरू की। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो फटाफट जलेबियाँ जो हैं बनाना उन्होंने शुरू कर दी, ताकि मैं वीडियो ले पाऊँ आराम से रिलैक्स होकर। तो यही बात जो है ना मेरे दिल को छू गई, क्योंकि एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर या कोई भी बंदा जब इस तरह कुछ मतलब करता हो, इतना हार्ड वर्क, इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क हम करते हैं, तो सामने वाले से जब इतनी रिस्पेक्ट मिलती है या मोटिवेट वो आपको करते हैं, दरअसल रिस्पेक्ट ही कह लें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उन्हें लास्ट में थैंक्स भी कहा। ये देखें, मैं यहाँ चिकन रोल अप खाने आई हूँ, तो यहाँ भी मैंने वीडियो ली। और कभी मैं इजाज़त लेकर बनाती हूँ तो वो कहते हैं जी मैडम लीजिए, कभी मैं बस यूँ ही बनाती हूँ तो वो रिलैक्स होकर हमें बनाने देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते, तो उनको पसंद नहीं आता। खैर, बंदे बंदे में फ़र्क होता है, कोई चाहता है मैं उनकी वीडियो बनाऊं यानी हम बनाएं, कोई चाहता ना बनाएं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो इस फील्ड में है उनको ये अच्छे से पता होगा कि हमारे लिए ये कितनी बड़ी बात होती है। तो मैंने भी बिना देर करते हुए सामने वाले को इस तरह थैंक यू कहा, क्योंकि फ़ील कराने वाली बात होती है कि आपने रिस्पेक्ट दी और मैंने भी जवाब में आपको रिस्पेक्ट दी। तो गाइस, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह ये थी मेरी छोटी सी दिल को छूने वाली बात। साथ में जब भी आप ईद की शॉपिंग के लिए जाएं तो बस पानी खजूर ज़रूर रखें, थोड़ा सा चेंज हो और आप शॉपिंग भी अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि शॉप्स जो है रात में जल्दी बंद हो जाते हैं। तो बस जल्दी से करें लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे दें इजाज़त।